अभी हम लोग जंगल के बीचों बीच रुके हुए हैं और अभी यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ऐसे सीढ़ी करके अंदर घूमना है। अब मन नहीं करा आगे। तो आज का दिन बहुत ही खराब गया है। हम लोग ने सोचा कि इको पार्क जाएंगे और आश्रम जाएंगे, फिर यहाँ पे इन्होंने पता करा तो पता चला कि जंगल कैंप है, जंगल सफारी भी है, और इसके अंदर जो गाड़ी जाती है जंगल में वो उसका टाइमिंग है, उसके बाद नहीं जाती है। सो इसलिए हम लोग सबसे पहले जंगल सफारी करने के लिए आ गए। यहाँ पे जंगल कैंप करके कुछ है और यहाँ पे पेड़ पे घर है और बैम्बो हट बना हुआ था, टेंट हाउस बना हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो खूबसूरती, बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया गया था, प्लांटिंग वगैरह सब कुछ। तो वही हम लोग आ गए जंगल सफारी करने। तो ये हमारा है सवारी, इससे हम लोग जंगल सफारी करने वाले हैं। अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार जा रहे हैं लोग जंगल सफारी के लिए और देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा होता है। अच्छा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट। और कौन कौन जंगल सफारी पहले किया है, कोई किया है क्या? नहीं किया है, सब कोई हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सब लोग पहली दफा जा रहे हैं, कोई नहीं किया है। पे रुकने का कुछ व्यवस्था है, टेंट वगैरह का? ये टेंट क्या है, टेंट है ना रुकने का ही? और ये भी रुकने का ही कुछ व्यवस्था है सर? अच्छा स्टाफ है क्या? अच्छा आगे गेस्ट हाउस है ना? गेस्ट हाउस है। अच्छा अब हम लोग का जर्नी शुरू हो गया है, जा रहे हम लोग ट्रक से। तो आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, टाइगर जरूर दिखाई देगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हम लोग जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और अगर आप इच्छुक हैं यहाँ जाने के लिए जंगल सफारी करने के लिए, तो मैं बता दूँ वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है वहीं पे है ये जंगल। यहाँ पे टाइगर रिजर्व करके बनाया गया है जो कि जंगल में मतलब ये एक होता है ना लक बाय चांस वाला जो काम होता है वही हो जाता है, क्योंकि जू में जो होता है हमें सारे जानवर एक पिंजरे में दिखते हैं, एक जगह इकट्ठे दिखते हैं, बट ये जंगल सफारी में यही हो गया था कि लक बाय चांस अगर आपको कुछ भी दिख सकता है नहीं भी दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को जंगली सुअर देखने के लिए मिला है, आप लोग देख सकते हो बहुत छोटा सा है, बच्चा है अभी ये। ये रास्ता के दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा क्लियर करके रखा हुआ है कि कोई भी जानवर आए तो क्लियर लोगों को दिखाई दे सके, देख सकते हैं। अभी तक हम लोग को सिर्फ जंगली सुअर ही देखने को मिले हैं, वो भी एक दिखा है, वो भी बच्चा दिखा है। आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप लोग बने रहिए, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, देखते रहिए, देखते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा एंजॉय करिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, कोई भी इंक्वायरी हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते। बह गया है पानी, पानी से बह गया, बने रहिए, अभी हिरन देखने को मिला, बने रहिए, ऐसे ही आपको बहुत बहुत देखने को मिलेगा, बाघ भी देखने को मिलेंगे, बाघ भी हो सकते हैं, बाघ यहाँ पे टाइगर रिजर्व में है और अभी तक हमें एक टाइगर नहीं दिखा है, दिखेगा दिखेगा, वेट कर रहे हैं, कितनी दूर आ गए हम? 1.5 किलोमीटर।
तो अभी हम लोग जंगल के बीचों बीच रुके हुए हैं और अभी यहाँ पे कुछ बना हुआ है ऐसे सीढ़ी करके ऊपर में, यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है और अभी तक हम लोग को बाघ नहीं दिखा है, सिर्फ हिरण और सुअर ही दिखे हैं, बाकी धूल वगैरह मिला है, बाकी जंगल घूम रहे हैं लोग सुबह से। तो हम लोग जंगल घूमते घूमते आखिर में पहुँचे हैं लोग 3:30 बजे या 3:30 में, और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक किए, अभी नीचे जा रहे हैं और यहाँ से भी निकलेंगे आगे की तरफ। पता नहीं अभी कितना जंगल घूमना है, अब मन नहीं करा आगे जाने का, बट अब आ गए हैं तो देखते हैं कहाँ तक जाना है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हो आप लोग। हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं, पता नहीं रिटर्न होना है कि आगे जाना है। अब हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, नहीं पता कहाँ जा रहे। पीछे पेड़ के पीछे, किधर पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे जूम करो, ब्लॉग में देख लेना। पंखा ही फैला रहा है। तो हम लोग जंगल सफारी करके आ गए हैं लोग, और टाइगर रिजर्व के नाम पे हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें एक भी टाइगर नहीं दिखा है, हमें एक भी टाइगर नहीं दिखा है, पैसा व्यर्थ, हाँ सारा पैसा व्यर्थ गया, और एक आदमी का 400 रुपये चार्ज था यहाँ पे। तो देखिए आराम से चले, टिकट कटेगा तभी ना घुसेगा अंदर। तो बच्चा लोग को बाघ देखने का अब बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, बट अभी ये लोग बाघ हम लोग को देखने के नहीं मिला, तो पार्क देखेंगे, झूला झूल के झूला झूला के इन लोगों को मनाया जाएगा। हाँ, और मतलब आज का दिन बहुत ही खराब गया है हम लोग का, बहुत ज्यादा खराब। आश्रम भी अभी बंद हो गया, हम लोग आश्रम भी नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं पार्क में, यही अभी हम लोग पार्क में हैं, बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग इधर आए हैं। ये पूरा नदी है, कौन सा नदी? हाँ, देख के खर बैठ गए हैं यहाँ पे, फोटो खींचो। तो ये इको पार्क से पीछे नदी का नजारा दिख रहा है, और कौन सा नदी है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी नदी है ये हम बताएंगे आपको सर्च करके। तो यहाँ का जो भी है इको पार्क से अच्छा बैक व्यू जो है बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। पता नहीं कहाँ का पहाड़ है जो यहाँ से, ये पहाड़ नहीं है गुरु, ये जंगल ही है, ठीक है, ये वैसे ही है जो जैसे हम लोग जंगल अभी घूम के आ रहे हैं। कोहरे की वजह से ऐसे दिख रहा है, कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है, ठीक है, जंगल है, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा ऐसा ही होता है, जम्मू में भी तो ऐसा ही था ना, थोड़ा ऊंचा नीचा है, तो ये पहाड़ रहेगा। बाकी ये पानी बहुत ही साफ पानी है, और इधर इको पार्क में ये सब बच्चा बच्चा का जो है कुछ कुछ खेलने वेलने का ये सब है नज़ारा। अच्छा है पार्क, अगर जो इधर वाल्मीकि नगर आए हुए हैं तो घूम सकते हैं, वैसे ज़्यादातर इसमें बच्चा लोग का ही है, हमारे लिए कुछ नहीं है यहाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को अच्छा व्यू मिल गया फ़ोटो के लिए, थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह शूट किए हैं। बाकी ये नन्ना मुन्ना लोग का उछल कूद हो रहा है, इधर परी झूला झूल रही है, इधर मेरा छोटू अपने लायक ढूंढ लिया है।
चलो 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 चलो। तो अभी हम लोग यहाँ पे टाइम हो गया है पार्क बंद होने का, तभी हम निकल रहे हैं और जल्दी निकलेंगे वरना वो बंद कर देगा, हम लोग अंदर ही रह जाएंगे। साढ़े चार पाँच बजने वाला है। ओ नहीं जाएगा बाबू नहीं जाएगा। बच्चे लोग का यही है, पार्क मिल रहा, झूला मिल रहा, चाहिए ना जाके खेल तक खेल खेला पे ही मिल रहा है भाई, और कुछ है नहीं इधर। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा।